नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो आज थोड़ा लंबे समय के बाद वापस आए हैं और आज हम लेकर के आए हैं राइडर की तरफ से जो राइडिंग जैकेट, उनकी दो अभी नई आई हुई हैं, उनको हम दिखाएंगे। और वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप ये सारा कोई प्रोडक्ट देख रहे हो या राइडिंग एसेसरी से रिलेटेड कोई भी चीज देख रहे हो अपने कार के लिए, बाइक के लिए 100% वाटरप्रूफ बॉडी कवर्स देख रहे हो, तो वो सारी चीजें आप जाकर के वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिस्काउंट या ऐसी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये जितना भी यहाँ पर आप सामान देखते हो, जो भी राइडिंग एसेसरी से रिलेटेड आप सोच सकते हो, राइडिंग गियर से रिलेटेड, वो सारा कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। लखनऊ या आसपास के हैं तो आना कहाँ है आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं। नए व्यूअर्स के लिए बता दूं, सुपर राइडर इंदिरा नगर मीना मार्केट ए ब्लॉक। मेरे को और स्टोर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे अपडेट्स यहाँ आने से पहले इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उस समय मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा कंटेंट और आप तक लाया जाए। तो इसके दो मॉडल आते हैं अभी के लिए, फिलहाल हमारे पास दो मॉडल हैं। ये जो पहला मॉडल आप देख रहे हैं ये है फ्रीगेट, और ये दूसरा वाला जो है बोल्ट। तो हम बोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये है जी राइडा की बोल्ट राइडिंग जैकेट, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। जो लाइट पड़ रही होगी शायद रिफ्लेक्ट कर भी रहा होगा, ना फ्लैश ऑन कर देंगे तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्टर का काम देखने को मिलता है आपके आर्म्स पे, बाइसेप्स पे, हर जगह आपको ये जो ब्रांडिंग दी गई है ये भी आपकी रिफ्लेक्टिव पे है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे का जो ब्रांड नेम जो कि बहुत ही बड़े साइज का है, उसमें भी आपको रिफ्लेक्टर जो है वो दिया गया है। बाकी पीछे और कोई रिफ्लेक्टर नहीं। पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये मैश का एरिया है, तो वेंटिलेशन इसमें प्रॉपर होने वाला है। और आगे की हम बात करें तो आगे भी आपको मैश का जो काम है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर एक रबराइज ब्रांडिंग मिलती है राइडा की। और अगर हम प्राइस की बात कर लें इसकी, तो इसका प्राइस है 5950, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट कोड बोल्ट राइडर राइडिंग जैकेट। अब इसको खोल लेते हैं। वैसे शायद ये जो साइज है मेरे को आएगा नहीं, क्योंकि ये है एस साइज और एस तो मतलब आने से रहा। इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर वाला जो ये मटेरियल है, ये भी मेरे को बाकी ब्रांड्स में मतलब ऐसा थोड़ा सा अगर कॉस्ट कटिंग करनी होती तो ब्रांड्स इस मटेरियल में कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है एसएस देखने में। यहाँ पर आपको बैक प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है, सामने ही येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये बैक प्रोटेक्टर है। लेवल 2 प्रोटेक्टर्स के साथ आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको चेस्ट प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है इस तरफ। यहाँ पर इसका चेस्ट प्रोटेक्टर है, ये दोनों तरफ लगा हुआ है, ये आपका चेस्ट प्रोटेक्टर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको शोल्डर के लिए जो दिख रहा है ये प्रोटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर जो आता है, और यहाँ पर है आपका एल्बो प्रोटेक्टर। और बाकी यहाँ क्योंकि मैं इसको पहन के नहीं दिखा सकता इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके दिए हुए हैं आर्म्स एडजस्टमेंट, यहाँ पर आपका रिस्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रिस्ट एडजस्टर आर्म एडजस्टर ये हो गया, और जो आपका वेस्ट एडजस्टमेंट होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी मेड इन इंडिया है जो कि बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादातर जो जैकेट्स हैं वो सारी की सारी इंडिया में ही बनती हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे इंडिया में ही जैकेट बनाते हैं अपनी, लेकिन इन्होंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन की, मेरे को देख के अच्छा लगा। और कुछ ओवरऑल लुक जो है वो इसका इस तरीके का है। बाकी इसके साथ आपको लाइनर जो है वो कोई भी नहीं मिलता है, इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ आपको कोई लाइनर देखने को नहीं मिलता है। ये जो आप जो प्राइस पे कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जैकेट का है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, ये नेक पे भी आप इस तरीके से जो चुटपुटिया बोलते हैं जिसको, उसको लगा करके आप इसको एक और लॉक दे सकते हो। तो ये थी हमारी बोल्ट, ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिस्टेड है ये। तो जी अब हम दूसरी जैकेट की तरफ चल रहे हैं, ये है हमारी फ्रीगेट। एक बार लाइट ऑन करके मैं आपको रिफ्लेक्टर्स दिखा देता हूँ इसके कहाँ कहाँ पर दिए हुए हैं। ये काफी बड़े साइज के सामने की तरफ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। मेरे को पहले लग रहा था कि ये रिफ्लेक्टर होगा लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके बिसेप्स पे भी जो है रिफ्लेक्टर का काम है। ऊपर यहाँ पर जो ब्रांडिंग है राइडर की वो हाँ ये भी रिफ्लेक्टिव पे ही है, ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है। और बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका जुर्माना तो ये है 8699 इसका प्राइस है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट कोड में फ्रीगेट मेंशन्ड है। और साइज इसका मैं चेकअप कर लेता हूँ, शायद मेरे साइज की होगी। साइज है इसका एक्सेल है और मैं इसको पहन सकता हूँ, तो मैं आपको पहन के भी दिखा दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाँ, इसमें मैं पॉकेट मेंशन करना भूल गया था, आपको एक पॉकेट यहाँ पर देखने को मिलती है कार्गो की, एक पॉकेट आपको यहाँ देखने को मिलती है अंदर। और ये दोनों की दोनों पॉकेट जो है ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये नॉर्मल पॉकेट्स दी गई हैं। एक पॉकेट होती है लेकिन यहाँ पर चेस्ट प्रोटेक्टर की वजह से वो पॉकेट मिफिंग है या शायद। बाकी आपको दो पॉकेट बाहर की तरफ देखने को मिल जाती हैं, ये यहाँ पर, और इसके अंदर आपको आता है ये राइडा का स्टिकर, इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी भी किसी जेब में राइडा का स्टिकर मिल जाए दोस्तों। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो बाहर आपको दो चेन देखने को मिलती है, तो मतलब टोटल दो चेन बाहर हो गई, दो कार्गो पॉकेट अंदर हो गई। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदर कार्गो पॉकेट देखने को मिलती है, ये दो पॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी जैसे उसमें दो पॉकेट्स थी वैसे ही दो पॉकेट्स इसमें भी हैं, और ये वाली जो पॉकेट होती है वाटर प्रूफ काइंड ऑफ होती है, तो वाटर रेजिस्टेंट बोल सकते हैं, प्रूफ तो नहीं बोलूंगा खैर।
और क्योंकि एक्सेल साइज है तो दोस्तों मैं इसको पहन के दिखा सकता हूँ। पहनने से पहले सारे के सारे प्रोटेक्टर्स इसमें मैंने आपको दिखा दिया, चेस्ट पे प्रोटेक्टर दिया गया है, बैक पे भी दिया गया है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो आपको मेटल के स्लाइडर्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप एल्बो पे देखेंगे तो आपको अकॉर्डेशन पैनल देखने को मिलता है जो आपको थोड़ा सा मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अच्छा रखता है। आगे की तरफ आपको देख रहे हो मेश भी काफी बड़े साइज में मेश दिया गया है। पीछे की तरफ भी आपको मेश का काम ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो मतलब जो वेंटिलेशन है इसमें ऐसा को ये नहीं होगा। मिल वैसे जैकेट अगर आप पहन रहे हो तो थोड़ी बहुत गर्मी होनी ही होनी, उसके लिए आप तैयार रहो। जब आप चल रहे होगे तो आपको थोड़ा सा राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही आप रुकोगे आपका गेम ओवर हो जाएगा। वैसे मुझे अब एक्सेल साइज नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है। तो कुछ इस तरीके का जो है जी इसका लुक। यहाँ पर आ गया आपका मेटल प्रोटेक्टर, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर है, ये अकॉर्डेशन पैनल है जो आप देख रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी देता है थोड़ी। इसका जो ये है एल्बो प्रोटेक्टर है वो उसका भी जो साइज है काफी बड़ा है, सारे के सारे लेवल 2 है। पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है। चेन बंद नहीं हो पाएगी मित्रों, क्योंकि मेरा पेट जो है वो बाहर आ रहा है, तो हालांकि कर रहे हैं इस पर भी काम कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा मित्रों। तो यही था आज का वीडियो, और मतलब ऐसा कंटेंट अगर आपको देखना है तो चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। आपको पता है कार्बोनाडो की पूरी सीरीज पढ़ी है, गाजिन गैस पढ़ा है, तो आपको जितने भी मतलब आप ब्रांड सोच सकते हो या जितने भी आप प्रोडक्ट सोच सकते हो इन सारे प्रोडक्ट्स पे ऑलमोस्ट वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे। नहीं है तो मतलब ऐसा होता नहीं कि ना हो। बाकी अगर आपने एक्सोर का डोमिनेटर देखा होगा, यहाँ पे फोटो पिन कर रहा हूँ, डोमिनेटर वगैरह या तो आप देख सकते हैं यहीं पर लगा हुआ है डोमिनेटर, डोमिनेटर लगा हुआ है, नीचे बैटमैन लगा हुआ है, पलट जाओ मित्रों, डोमिनेटर लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है, या शायद यहाँ पे सिर्फ रोगों का डोमिनेटर है नहीं। नीचे आप देख रहे हैं अपना अभी लेटेस्ट लॉन्च था जो बैटमैन वो रखा है। यहाँ पर है आपके राइडिंग बूट्स, ऊपर आप देख रहे हो ये आपका कार्माडो, ये कलर कंपनी की वेबसाइट पर भी आउट ऑफ स्टॉक है। ये आपके सारे सैडल बैग लगे हुए हैं, ये इस तरफ आपके बैकपैक्स, राइडिंग बूट्स और बाकी स्टोर तो आप वीडियोस में देखते ही रहते हो। ये रहा, ये है अपना डोमिनेटर रोग, ये लगा हुआ है टाइटन, कार्बन फाइबर भी है, ये रहा गल्विंग, पकड़ भाई। यही था आज का एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड, स्टोर को फॉलो करना, मेरे को फॉलो करना मत भूलिएगा। लखनऊ आसपास के हैं तो आप स्टोर आकर के डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं।